हाय गाइस, वेलकम बैक टू रीड अप 4। तो आज हम जानेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 और पार्ट 7 क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड मींस जो हमने काम किए हैं उसका रिपोर्ट। ठीक है, जो हमने काम किया उसका रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट कार्ड है, हमने कितने एग्जाम में नंबर लाए उसका रिपोर्ट, उसी तरीके से। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। मतलब कि जो ब्रिटिश है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते थे। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब देखिए क्या हो गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि जैसे कोई क्राइम है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखना वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और वो कैसे इम्पॉर्टेंट होगा कि जब कोई आदमी लिख रहा है तो उसके राइटिंग से हम क्या है पता करेंगे कि वो इम्पॉर्टेंट है। एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसीज, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। मतलब कि जो भी प्लान हम कोई भी प्लान करता था, पॉलिसीज, कोई भी पॉलिसीज, कोई भी एग्रीमेंट करते थे तो उसको अच्छी राइटिंग में लिखा जाता था। वंस दिस इज़ डन by things could be properly and studied and debated, these conversations produce an administrative culture of the memes, nothing and report। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इन्होंने क्या करते थे ये लोग कि उस जो प्लान है, जो भी चीज़ करते थे उसकी अच्छी सी राइटिंग में किसी कार्पेटिक्स से लिखवाते थे और उसको क्या है रख देते थे। ठीक है, द ब्रिटिश ऑल्सो फील्ड दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। मतलब कि ब्रिटिश को ये भी लगता था कि जो ये फाइल उन्होंने बनाया है, लिखा है, उसको हमें क्या है अच्छे से रखना पड़ेगा, प्रिजर्व मतलब जमा करना पड़ेगा। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अचीव्ड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, एक रूम बनाया, उस रूम को हम, और ये रूम कहाँ पर होता था, गांव में होता था, उस रूम को हम बोलते थे तहसीलदार, द कलेक्टरेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोवेंसेस, द लो कोर्ट, ऑल हैड द रिकॉर्ड रूम स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस लाइक अचीव्स एंड म्यूजियम्स वेयर ऑल्सो स्टेबलाइज टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड। तो यहाँ बनाया गया रिकॉर्ड रूम, कलेक्ट्रेट ऑफिस में बनाया गया, कमिश्नर ऑफिस में, प्रोविंसल्स में, द लो कोर्ट, सभी जगह बनाया गया। लेटर एंड मेमोज डैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द ईयरली ईयर ऑफ द 19th century, यहाँ पे देख लीजिए 19th century में, कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चीव। मतलब कि वो क्या है लेटर लिखते थे और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच से वो इजीली से पहुंचा सकते थे, और जो वो अच्छे राइटिंग में वो लिखते थे प्लान, कुछ भी क्राइम व्राइम कुछ भी लिखते थे तो वो उसकी कॉपी करवा लिया करते थे, उसी के जैसा कॉपी करवा लिया करते थे। ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्टडीज दीज नोट्स एंड रिपोर्ट दैट डिस्ट्रक्टिव ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड और द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव्स दैट वेयर सेंट बाई ऑफिशियल्स एट द टॉप ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, ये हमारा प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जिससे हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में कौन कौन केसेस हुए, मतलब पास्ट में कौन कौन केसेस हुए। ठीक है, इन द ईयरली ईयर ऑफ द 19th century दिस डॉक्यूमेंट आर केयरफुली कॉपीड एंड ब्यूटीफुल राइटिंग कॉल्ड कैलीफोर्टिस्ट। मैंने आपको क्या बताया कि इसको क्या है 19th century में अच्छे से लिखा जाता था, फिर उस अच्छे हुए लिखे हुए कॉपी को कॉपी कर लेते थे, क्या कर लेते थे, कॉपी कर लेते थे। और ये किसके द्वारा लिखा जा रहा था, कैलियोग्राफिस्ट। ठीक है, जो अच्छी राइटिंग लिखते हैं उसको कैलियोग्राफिस्ट कहते हैं। डैट इज बाई दोज हु स्पेशलाइज इन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। कैलियोग्राफिस्ट उसको बोलते हैं जो जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है और उसी राइटिंग से अच्छी होती है तो वो उस पेज की कॉपी करवा लेते हैं। ठीक है, जिससे इजी से उन्हें पता चल जाएगा। बाय द मिडिल ऑफ द 19th century विद द स्प्रेड प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड वेयर प्रिंटेड एज प्रोसेसिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और फिर क्या है, वो क्या है सेपरेट कर देते थे, मतलब कि
यहाँ पर आपने देखा तहसीलदार बनाया है उन्होंने, कमिश्नर ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में बनाया, प्रोविंशियल में बताया, लो कोर्ट में बनाया, इन सभी में रूम बनाया। तो उस एक केस है उसको वो कॉपी करके, अच्छे राइटिंग में कॉपी करके इन सभी को क्या है सेपरेट में करके भेज देते थे, जिससे क्या है ईजी से पता चल जाता था। तो आप देख सकते हैं ये एक तहसीलदार है, ठीक है, ये क्या है द न्यू दिल्ली वॉज बिल्ट, ये न्यू दिल्ली में अभी भी बना हुआ है, नेशनल ये म्यूजियम है, नेशनल अचीवर्स ऑफ द बोथ लोकेट क्लोज टू विरेगल प्लेस, ठीक है, विरेगल में आपको ये मिल जाएगा। दिस लोकेशन वॉज द इम्पोर्टेंट हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इमेजिनेशन, ये ब्रिटिश का बना हुआ है, देख लीजिए कितना अच्छा है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ कि इसमें क्या है हो रहा है कि उन्होंने उसके बाद ये सब करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक रिकॉर्ड रूम बनाया, उस रिकॉर्ड रूम का नाम था तहसीलदार, और उस तहसीलदार में क्या है वो अच्छी अच्छी राइटिंग लिख के, अच्छी अच्छी कैलीग्राफिस्ट से राइटिंग लिखवा करके, वो कैलीग्राफिस्ट क्या होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उनसे बनवा करके वो क्या करते थे कि कलेक्ट्रेट, कमिश्नर ऑफिस सभी में, लो कोर्ट में सभी में एक रूम बनाते थे जिसमें वो रिकॉर्ड रख सके कि इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, ठीक है, यही सिर्फ लिखा हुआ है। और फिर उसे हम उस अच्छी राइटिंग वाले जो लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं, और उसको हम क्या करते थे लिखने के बाद कॉपी कर लेते थे और सबको दे देते थे, कलेक्ट्रेट ऑफिस और सबको दे देते थे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करिए, एंड फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।